इसका तरीका नाक से थोड़ा इधर फेस करिएगा, इसको नाक में, नाक गिलास को नाक से, गिलास में नमकीन पानी लेके नाक में, नाक को इसमें डालते हैं और मुंह से इसको पानी को निकालते हैं। ये जलने की एक्टिविटी सभी मित्र हमारे करेंगे, इधर से करिएगा। आप पहले कर चुके हैं ना डॉक्टर, करिए आप ले लीजिएगा, देखो शंकर भाई ने मैंने कर लिया मेरा कुछ समय आपने किया जी, बिल्कुल किया जी। मुश्किल है नहीं जी, बिल्कुल। अरे सब लोग कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल असल में तो पहले ही साहब आपने की जलेबी एक बार कर ली, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लगा। ये जलेबी का बहुत अच्छा लगा, ये जलने दी कर रहे हैं डॉक्टर पवन त्यागी, नाक से पानी को खींच रहे हैं, मुंह से निकाल रहे हैं। ठीक है, खींचेगा? हाँ, मुंह से निकालिएगा। ये गर्ग साहब वेरी गुड, खींचते रहिएगा और मुंह से निकालते रहिएगा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और अच्छी क्रिया है इसमें, सिंपल तरीके से नाक को नमकीन पानी में ऐसे लगाते हैं और इस तरह खींचते हैं, सिंपल क्रिया। जनरेटिंग करने में हमारे नाक के अंदर पानी रह जाता है साइनस वाले भाग में, तो इसलिए ये क्रिया करनी जरूरी है। एक बार तरीके से करेंगे, देख लीजिएगा सामने, एक बार साइड में, एक बार दूसरी साइड, और इसमें एक लास्ट वाली क्रिया करते हैं, ऐसे आगे झुकते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं नाक से। ये जलनेती की क्रिया हमारे साइनस के लिए, हमारे दिमाग के लिए, आंखों, कान, नाक, गले के लिए बड़ी अच्छी क्रिया है। यहाँ ठीक हमारा एक पीनियल ग्लैंड होती है आगे चक्र से पीछे, पिट्यूटरी होती है, हाइपोथैलेमस होता है, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो जलनेती की जो एक्टिविटी है बड़ी अच्छी क्रिया है, आप लोग इसको करें अपनाए जीवन में, और शांत रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आनंदित रहे। ध्यान और एकाग्रता के लिए बहुत अच्छी है। बच्चों को मैं देखता हूँ कई बार, आजकल बच्चों को लगभग 20-30% और 40% तक का बच्चों को 8वीं-10वीं क्लास में आंखों में चश्मे लगे होते हैं, और 20% तो हर एक क्लास में, हर एक स्कूल में लगे होते हैं चश्मे। यानी 10 में से लगभग 2-3-4 बच्चों को, 5 बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं। जलने दी करें, बढ़िया रहेगा। धन्यवाद।